हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कपड़े के ऊपर पैंट को रख के हम किस तरह से पैंट की कटिंग करें। तो अगर आपको सिलाई बिल्कुल नहीं आती तो इस तरीके का यूज़ करके आप बहुत ही सिंपल तरीके से पैंट को कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है पैंट की कटिंग करने के लिए। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2 मीटर से 2.5 मीटर तक फैब्रिक ले सकते हैं। तो इसी साइज़ के हिसाब से हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को फोर फोल्ड करके रख लेंगे लंबाई में, और ये हमने फोर फोल्ड कर लिया है। फोर फोल्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक पैर में हमें 2 पार्ट चाहिए और दूसरे वाले पैर में भी 2 पार्ट, तो इसलिए दोनों मिला के 4 पार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सिंगल फोल्ड करके पहले फ्रंट साइड और बैक साइड का कट कर सकते हैं। तो चारों तरफ से हमें इसे एक बराबर करके रख लेंगे, वरना एक पार्ट छोटा और बड़ा हो जाएगा तो सिलने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद हमें ऊपर की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसे हम इलास्टिक डालेंगे या तो नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसे स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। आप इसे अपनी रबड़ के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग 2 इंच से 2.5 इंच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड मार्क लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम एक साइड में मार्क लगाएंगे। तो इस साइड से हम एक मार्क लगा लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट 1/2 इंच पे। अब ये मार्क हमने क्यों लगाया है ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके बाद हम पैंट को इस तरीके से रख लेंगे जहाँ से हमने मार्क लगाया है बिल्कुल उसके आगे से, क्योंकि यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे और इसे 4 पार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें सिलाई करनी होती है, इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ऊपर की साइड भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिल्कुल सीधा करके रख लेना है। तो ये पैंट जो है हमारी मियानी वाली है, तो हम इसमें भी मियानी लगाएंगे। तो ये हमारी जहाँ से मियानी अटैच है हम वहीं पर मार्क लगाएंगे। और फिर इसके बाद पैंट के साइड में हम बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से, जिस तरह से हमारा पैंट बना हुआ है वैसे ही मार्क लगाते जाएंगे। और फिर नीचे के साइड हम इस तरह से मार्क लगाएंगे, यहाँ तक हमारी पैंट की लंबाई होगी। अब 2 या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग करने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद हम पैंट को साइड में कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ आसन के हम मार्क लगाएंगे, तो बिल्कुल इस तरह से स्केल को रख के हम सीधा कर लेंगे। तो नीचे की साइड जितना है उतना ही हम ऊपर की साइड रखेंगे, तो हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच आसन के लिए मार्क लगाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अगर आप मियानी नहीं लगाना चाहते तो आप इसी मार्क पर कट कर लेंगे, और इसी मार्क के अकॉर्डिंग आप स्टिचिंग भी कर लेंगे। और ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो अगर आपको मियानी नहीं लगाना है तो इस मार पे आप कट करके स्टिचिंग कर सकते हैं, फिटिंग अच्छे से आएगी। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे 1 से 1.5 इंच तक। अब फिर इसके बाद हम इसी पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस साइड से हमारी पैंट अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब हम इधर से भी कट कर लेंगे ताकि इसके 4 पार्ट हो जाएँ, और बीच से हम सिलाई लगाएंगे ताकि पैंट का लुक आए। तो इधर से भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने 4 पार्ट कट कर लिया है, तो 2 पार्ट हम एक साथ अटैच करेंगे और 2 पार्ट एक साथ। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम मियानी कट कर लेते हैं। तो अगर आपको मियानी नहीं लगाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे तिरछे में करके रख लेंगे और इसमें से हम 2 पार्ट निकालेंगे। फिर इसके बाद हम पैंट वाले साइज़ को रखेंगे, और जितनी चौड़ी हमारे पैंट की मियानी है उतनी चौड़ी ही मार्क लगाएंगे। तो दोनों साइड हम मार्क लगा लेंगे, और ऊपर की साइड हम ऐसे मार्क लगा लेंगे, और फिर इसे एक दूसरे से इस तरह से अटैच कर लेंगे, और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे जो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी, और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। तो अब ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हम मियानी को अटैच करेंगे। तो मियानी को कहाँ से अटैच करना है, तो पहले हम एक पार्ट को लेंगे और नीचे के साइड से हम मियानी को इस तरह से लगाते जाएंगे, और दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम मियानी को अटैच कर लेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करके देखते हैं। तो यहाँ से हम मियानी को इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख के पहले इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। अब हम दूसरे वाले पैंट के पार्ट को इस मियानी में अटैच करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बिल्कुल बराबर से रख के इस पर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से हमने पहले वाली साइड में लगाया है उसी तरह से हमें इसमें भी लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट साइड को अटैच कर लिया है, और इसी तरह से हमने बैक साइड को भी अटैच कर लेना है।
इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके बाद हम दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, तो इस तरह से हम ऊपर के साइड दोनों पार्ट को रखेंगे और किनारे के साइड को ज्वाइंट करेंगे और इस तरह से दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर कर लेंगे और नीचे तक हम इसे सिलाई लगाते जाएंगे। और नीचे के साइड को बिल्कुल बराबर रखना है, कम या ज़्यादा ना हो वरना पैंट की फिटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये हमने एक साइड से सिलाई लगा लिया है, अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड पे स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद हम ये दोनों पैर के बीच वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारी सिलाई जो है वो मजबूत हो जाए और इसमें फिनिशिंग भी आ जाए। और इसी तरीके से हम दूसरे वाली साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम नेफा फोल्ड करेंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने अपने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिया है, आप अपने कमर के अकॉर्डिंग 4 इंच कम करके इलास्टिक ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आएगी। और फिर इसके बाद हम इस तरह से इलास्टिक को रख के कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करेंगे 1 सूत का गैप लेके, और इसके बाद हम इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे और फिर इतना ही जितना हमने फोल्ड किया था उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल एक बराबर सिलाई लगानी है। और फिर इसके बाद हम थोड़े से कपड़े को नहीं सिलेंगे, उसमें सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरीके से हम पिन में इलास्टिक को डाल लेंगे और फिर इसके बाद जहाँ से हमने ये गैप छोड़ा था वहीं से हमें इलास्टिक को अंदर कर लेना है और दूसरी साइड से हमें बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से अब इसके बाद हम पिन को बाहर कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों इलास्टिक को बराबर रख के। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जहाँ हमने गैप छोड़ा था वहाँ पे सिलाई को हम लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इलास्टिक को इस तरह से खींच के इसे सेट कर लेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दोनों मियानी को इस तरह से पकड़ के पहले अटैच कर लेंगे ताकि जो हमारा लेग का पार्ट है वो इधर उधर ना हो सिलने पे। पहले हम बीच से अगर सिलाई लगा लेते हैं तो दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर से स्टिच हो जाता है, वरना वो एक खिंचाव की वजह से एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है। तो इस तरह से पहले हम बीच में लगा लेंगे तो बिल्कुल आसानी होगी। अब इसके बाद हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से अंदर की साइड हम इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हम दूसरे वाले बॉटम पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हम दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखेंगे और नीचे के साइड से जहाँ से हमने मार्क लगाया है वहीं से हम इसे सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए फाइनली हमारी ये पैंट की सिलाई हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। इस तरीके से अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप अपने पैंट की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।